गाइस, वेलकम टू माय चैनल पू व्लॉग्स। सो कोरियन फूड, आज के फूड व्लॉग में हम लोग बनाने वाले हैं किम्बाप। कोरियन फूड में आता है किम्बाप, तो वो सी वीड को रोल करके अंदर में स्टिकी राइस और बहुत सारा क्रंची वेजीज और नॉन वेज आइटम ऐसा डालकर बनाते हैं, सॉस में डिप करके हम लोग खाते हैं। मैंने खाया था जापानीज सुशी खाया था, उसमें रॉ फिश था। आई थिंक किम्बाप में रॉ फिश डालते हैं कि नहीं डालते, प्लीज अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। तो कच्चा फिश मुझे अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने कोरियन रेस्टोरेंट में किम्बाप खाया, तो वहां में वेजीज था, चिकन था, बहुत अच्छा लगा खा के। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं किम्बाप, कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारा सामान माजुली में तो नहीं मिलता है, पासीघाट में मिलता है। पासीघाट में ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत सारा है, जहाँ बहुत सारा नहीं, तीन ही है या आया, मेरा पैर दर्द हो गया। क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आज के रेसिपी के लिए हमें चाहिए गाजर, ऐसा बहुत लॉस हो जाएगा, नो, क्यूकम्बर्स, पालक, अगर आपके पास पालक नहीं है तो आप कुछ दूसरा साग भी यूज कर सकते हैं। तो पूरे माजुली में मुझे पालक नहीं मिला, सो आई एम यूजिंग दिस पत्ता। अंडे, ये देखो, ऑलरेडी क्रैक्ड। कीवी, ये बहुत सस्ता पड़ा मेरे को, 200 रुपए का इतना बड़ा वाला, और मैंने एक जगह देखा था 200 रुपए का इतना छोटा छोटा। सो विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली दिस वन। अगर आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पे नहीं है तब अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको चाहिए तिल का तेल, और ये होता है तिल का तेल, ये कोरियन है कि चाइनीज है? प्योर सेसामी ऑयल, सेसामी मतलब कि तिल, और ये तिल का तेल है। तो हमारे घर में जो ऐसा निकालने वाला तिल का तेल था, लेकिन उसका ऐसे स्मेल नहीं आता, आई थिंक दिस वन इज डिफरेंट, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया है। और इसका प्राइस कितना है? प्राइस छोड़ो, अब देख लेना अमेजोन में। सोया सॉस हर घर में होता है, और तिल चाहिए रोस्टेड करने वाला, तो आप वाइट वाला तिल अगर मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, ब्लैक से भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट सेम है, बस देखने का डिफरेंस है। पालक यूज करिएगा, हमारे यहाँ पालक नहीं है तो यहाँ पे मिलना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग आइलैंड में रहते हैं तो सब सामान इधर नहीं मिलता है। तो इसको अभी हम लोग उबलने देंगे, और ढक्कन नहीं ढकना है, क्योंकि इसका जो डार्क ग्रीन कलर है वो हमें चाहिए। तो ढक्कन ढकेगा तो इसका कलर आपका एकदम ग्रेइश ग्रीनी टाइप का हो जाएगा। सो जब तक हमारा पत्ता बॉयल हो रहा है तब तक ये पैकेज हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आया था मुझे ऑलमोस्ट वन या टू मंथ पहले, लेकिन टाइम ही नहीं मिला अनबॉक्सिंग करने का, तो अभी आपके साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। क्यों तो देखिए, ये एक सिस्टर ने भेजा था, उसका अपना इंस्टाग्राम का पेज है, एंड शी इज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस। वाओ, यहाँ पे भी बो लगा हुआ है। Dear Poodi, thank you for recognizing my intense effort and investing your valuable time on us. Best regards, Sassy. Sassy accessories. पहला वाला एक बो है, और ये क्लिप की तरह है, पीछे लग जाएगा, लाइट ब्लू कलर में है, देखिए इतना क्यूट है। यहाँ पे जो फ्लावर का प्रिंट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज वेरी लार्ज साइज स्क्रंची, ये अंदर जो रबर लगा है बहुत ही मोटा है, तो टूटने का कोई चांस ही नहीं। ओह, ये रेड कलर में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, लॉन्ग हेयर हो या शॉर्ट हेयर हो आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये क्लच है, यहाँ पे बो लगा हुआ है, एंड बो का जो प्रिंट है मुझे बहुत ही क्यूट लगा गाइस, आप इनके साइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड गाइस, दिस इज नॉट अ पेड स्पॉन्सरशिप, मुझे लगता है कि मैं एक बड़ी बहन की तरह हूँ, तो अगर आप लोग हेल्प मांगेंगे तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगी, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं सपोर्ट करूंगी। तो इसलिए गाइस, आप लोग भी इनका पेज चेक करिएगा इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक दे दिया। इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, और पानी निकलना है, इसको भी ड्रेन कर देते हैं।
salt. क्यूकम्बर का बिटर वाला कुछ होता है, ऐसा बिटर निकलता है यहाँ से अगर ऐसे साफ करें तो, देखिए आप देख सकते हैं, उसको आप साफ कर लीजिएगा, उसके बाद वॉश कर लीजिए। सीड वाला पार्ट रिमूव कर देना है क्योंकि ये हमारे जो राइस है उसको एकदम गीला कर देगा। ये सीड वाला पार्ट मैं रिमूव कर रही हूँ। इस तरह से आप बना लीजिए। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सेसमी सीड व्हाइट कलर का टोस्ट करेंगे। अगर आप इसको ज्यादा टोस्ट करेंगे तो ये ब्राउनिश कलर हो जाएगा, सो मैं इसको अभी उतार देती हूँ। यहाँ पे देखिए गार्निशिंग के लिए रेडी है कुकिंग ऑयल। गैस बंद कर दिया मैंने। सो गैस फाइनली जो हमारा प्रेप सामान है सारा रेडी हो गया है, अभी बस हमें सबको अरेंज करके किम्बा बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर एक्साइटेड। ये सिंगल सिंगल करके काटिए क्योंकि तेल लगा हुआ है तो ऐसे स्लिप हो जाता है। किम्बाब रोल करने के लिए आप हाथों से भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा क्योंकि मैं खाना क्या क्या बनाते रहती हूँ तो मैं ये ले ही लूँ। एक बहुत प्राइसी लगा मुझे, इसका है 350 रुपीज। ये यूज किया जाता है सुशी या फिर किम्बाब को रोल करने के लिए। बेम्बू सुशी मैट लिखा हुआ इधर 350 का है, इसके लिए 350 रुपीज। तो ये कुछ ऐसा है, यहां से मैं रोल करूंगी अपना किम्बाब। ऐसा सीवीड, प्रिजर्वेटिव, डोंट ईट दिस। स्मूथ वाला साइड को मैं ऊपर तरफ रखती हूँ, रफ वाला को अंदर। अब हम लोग डालेंगे राइस। आपके पास स्टिकी राइस नहीं है तो अपना नॉर्मल राइस यूज करिए, लेकिन थोड़ा गीला करके बनाइए क्योंकि अगर स्टिकी राइस नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा। हाथ में पानी भिगा कर करिए, मेरा पूरा चिपक रहा है, मैं पानी लेकर आती हूँ। Now it's better. और कैरेट, अंडे,
इस साइड से रोल करती हूँ अपने तरफ से। अभी हमारा लोकल राइस होता है स्टिकी राइस तो वो चिपक जाता। तो ये हमारा बन गया है, अभी इसको हम लोग काटेंगे। चाकू के साइड में देखिए थोड़ा सा ऐसा रफ सरफेस है तो काटने में आसानी होगा। इतना सुंदर लग रहा है कोरियन का खाना ना, हम लोग देखने के लिए ऐसा लगता है इतना प्लीजिंग है ना, आई प्लीजिंग। मैं अपना थोड़ा टेस्ट के लिए सब में थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप सेसमी ऑयल डालूंगी। अभी हम लोग स्प्रिंकल करेंगे सेसमी सीड। सेसमी ऑयल, थोड़ा ग्राइंड किया हुआ गार्लिक, टोस्टेड सेसमी सीड। अभी इसके ऊपर डालती हूँ मैं सोया सॉस। ये हो गया हमारा सॉस रेडी। सो हमारा किमप रेडी है और सॉस भी रेडी है। तो चलिए टेस्ट टेस्ट करते हैं कैसा है। ऐसे तो स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा है और देखने के लिए भी बहुत ही सुंदर है। सो देरी नहीं करते हैं और ट्राई करते हैं। ओके सो एक्साइटेड। सो आप लोग भी घर में बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस सामान मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप अभी अमेजोन से ऑर्डर कर दीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपके घर के सामने, अगर पासीघाट में है तो डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएगा। So good. अगर आपको मछली पसंद नहीं है ना तो ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सीवीड का जो कवर है बिल्कुल फिश का तरह स्मेल करता है। But I love it. ये सीवीड कागज की तरह है बट हम लोग इसको खा सकते हैं। बोला ना जबरदस्ती कोरियन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज का फूड ब्लॉग आपको कैसा लगा? एवरी वीडियो 110% मोटिवेशन मिल जाता है आपका कमेंट देखने के बाद ही। सो डोंट स्टॉप कमेंटिंग एंड हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए नेक्स्ट आपको कुछ आइडिया है कुछ देखने का। सो आई विल सी यू सून, बहुत ही जल्द फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।